हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लटर में पेजिनेशन को कैसे इंप्लीमेंट करें, जिसे हम इनफाइनाइट स्क्रोलिंग भी कहते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें। तो यहाँ पर मैंने पेजिनेशन इंप्लीमेंट करने के लिए फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर हम आइटम्स को स्टोर कराने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर दो बूलियन वेरिएबल हैं, एक है इज लोडिंग डेटा और हैज मोर डेटा। तो इस लोडिंग डेटा से हम ये चेक करेंगे कि करंटली एपीआई से डेटा लोड हो रहा है या नहीं। अगर डेटा लोड हो रहा होगा तो ये ट्रू होगा, और नहीं हो रहा होगा तो फॉल्स होगा। तो हैज मोर डेटा से हम ये पता करेंगे कि एपीआई में वो डेटा है या नहीं। तो अगर डेटा होगा तो हम इसे ट्रू सेट करेंगे, और नहीं होगा तो हम इसे फॉल्स सेट कर देंगे। तो इनिशियली ये ट्रू रहने वाला है, और इस लोडिंग डेटा इनिशियली फॉल्स रहने वाला है। तो उसके बाद यहाँ पर हमने एक गेट डेटा फंक्शन बनाया है जो कि एक फेक एपीआई का काम करेगा। तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो ये आइटम्स लिस्ट के अंदर 30 आइटम्स ऐड हो जाएंगे। तो इसके अंदर हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने इसके अंदर एक इफ कंडीशन लगाई है, जिसके अंदर हमने चेक किया है कि अगर इज लोडिंग डेटा की वैल्यू फॉल्स है और हैज मोर डेटा की वैल्यू ट्रू है, यानी कि अगर डेटा पहले से लोड नहीं हो रहा है और एपीआई में डेटा है, तभी हम इफ कंडीशन के अंदर जाएंगे। और एल्स कंडीशन में हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि अगर डेटा लोड हो रहा होगा तो हम और डेटा को लोड नहीं करेंगे, और अगर हमारे पास डेटा नहीं होगा तब तो हम डेटा को और गेट कर भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन लगानी ज़रूरी थी। तो उसके बाद इसके अंदर हमने इस लोडिंग की वैल्यू को ट्रू किया है, जिससे कि हम ये इंडिकेट कर पाएंगे कि डेटा लोड हो रहा है। और उसके बाद हमने स्टेट चेंज करने के लिए सेट स्टेट फंक्शन को कॉल कर दिया है, जो कि हमें इंडिकेटर शो करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर हमने फ्यूचर डॉट डिलेड फंक्शन को कॉल किया है, जिससे कि हम कोड में एक सेकंड का डिले दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक डमी डेटा लिस्ट बनाई है, जिसके अंदर हम रैंडम एलिमेंट्स को जनरेट करेंगे। जिसके अंदर हमने एक कंडीशन लगाई है कि अगर हमारी आइटम्स की लेंथ 100 से ज़्यादा होगी तो हम यहाँ पर एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर देंगे, और अगर 100 से कम होगी तो हम यहाँ पर 30 और एलिमेंट जनरेट कर देंगे। तो लिस्ट डॉट जनरेट फंक्शन हमें एक लिस्ट जनरेट करके देता है। तो यहाँ पर हमें लेंथ पास करनी पड़ती है कि हम कितने लेंथ की लिस्ट जनरेट करना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग पास किया, जिससे कि हमें लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मिल जाएगी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एक और इफ कंडीशन लगाई है, जिसमें हमने चेक किया है कि जो हमें डमी डेटा लिस्ट मिलेगी, अगर वो एम्प्टी होगी तो हम यहाँ पर हैज़ मोर डेटा की वैल्यू को फॉल्स कर देंगे। इसका ये मतलब है कि अब हमारी लिस्ट में और डेटा नहीं है, यानी कि हमें एपीआई से डेटा नहीं मिला, तो इसलिए हमने यहाँ पर हैज़ मोर डेटा की वैल्यू को फॉल्स कर दिया है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर आइटम्स डॉट एड ऑल फंक्शन का कॉल किया है, और इसमें हमने डमी डेटा लिस्ट पास कर दिया, जिससे कि क्या होगा, जितने भी आइटम्स डमी डेटा लिस्ट में होंगे वो सारे के सारे हमारी जो ये आइटम लिस्ट थी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो लास्ट में हमने यहाँ पर इज लोडिंग डेटा की वैल्यू को फॉल्स कर दिया है, और यहाँ पर सेट स्टेट को कॉल किया है, जिससे कि हमें स्टेट में चेंजेस शो हो जाएंगे। तो ये तो होगी पूरे गेट डेटा फंक्शन की बात। हमें इस गेट डेटा फंक्शन से जो डेटा मिलेगा उसे यहाँ पर यूआई में शो भी करना है। तो जो हमने यहाँ पर लिस्ट व्यू बिल्डर बनाया हुआ है, इसके आइटम काउंट में हम आइटम्स लिस्ट की लेंथ पास कर देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आइटम्स डॉट लेंथ पास कर दूंगा, और यहाँ पर हमने आइटम बिल्डर के अंदर एक लिस्ट स्टाइल रिटर्न की हुई है, जिसके टाइटल में हमने टेक्स्ट पास किया है। अब इस टेक्स्ट में हम आइटम्स के एलिमेंट को शो करने वाले हैं, जो कि आइटम ये हमारी लिस्ट होगी, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम उसे यहाँ पर शो करने वाले हैं। तो अभी हमें स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये लिस्ट जो है वो एम्प्टी है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इनिट स्टेट फंक्शन को ओवरराइड करूँगा, और इसके अंदर मैं गेट डेटा फंक्शन को पास कर दूंगा। और अगर अब मैं होटल स्टार्ट करूंगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, और हमें लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें 30 एलिमेंट्स देखने को मिल गए हैं। तो अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही हम लिस्ट के एंड तक पहुँचें तो हमें यहाँ पर एक सर्कुलर इंडिकेटर शो हो, और नेक्स्ट डेटा लोड हो जाए, यानी कि लिस्ट में जो नेक्स्ट डेटा हो वो लोड हो जाए और इस लिस्ट में ऐड हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके लिए हमें एक कंट्रोलर बनाना होगा, स्क्रोल कंट्रोलर। तो मैं यहाँ पर एक स्क्रोल कंट्रोलर बना लेता हूँ। अब स्क्रोल कंट्रोलर बनाने के बाद हम लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर कंट्रोलर में उसे पास कर देंगे। अब उसके बाद हम इनिट स्टेट के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर हम स्क्रोल कंट्रोलर डॉट एड लिस्टनर फंक्शन को कॉल करेंगे। इसके अंदर हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे स्क्रोल कंट्रोलर डॉट ऑफसेट, अगर स्क्रोल कंट्रोलर के ऑफसेट की वैल्यू स्क्रोल कंट्रोलर डॉट पोजिशंस डॉट मैक्स स्क्रोल एक्सटेंड के बराबर हो जाती है, यानी कि जो हमारी अभी करंट पोजिशन है, जो ये स्क्रोल कंट्रोलर डॉट ऑफसेट फंक्शन है, ये हमें स्क्रोल कंट्रोलर की करंट पोजिशन रिटर्न करता है। और अगर वो करंट पोजिशन
हमारी मैक्स स्क्रोल एक्सटेंट, यानी कि मैक्स स्क्रोल एक्सटेंट हमें वो वैल्यू रिटर्न करेगा जहाँ तक हमारी लिस्ट स्क्रोल हो सकती है। तो अगर इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी तो यानी कि हम लिस्ट के एंड तक पहुँच चुके हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर देंगे ताकि हमें और डेटा मिल सके। तो मैं यहाँ पर एक बार होट रिस्टार्ट करके चेक कर लेता हूँ। तो अगर अब मैं यहाँ पर लास्ट तक स्क्रॉल करूँगा तो हमें यहाँ पर और डेटा मिल चुका है, जैसे कि हमें यहाँ पर 59 मिल गया। अगर मैं और स्क्रॉल करता हूँ तो हमें यहाँ पर 89th एलिमेंट तक मिल चुके हैं। अगर मैं और स्क्रॉल करूँगा तो हमें 119 एलिमेंट तक मिल जाएंगे, पर क्योंकि अब ये आइटम लिस्ट की लेंथ 100 से ऊपर हो चुकी है तो अगर मैं और स्क्रॉल करूँगा तो हमें इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि जो हमारा हैज़ मोर डेटा था उसमें हमने फॉल्स असाइन कर दिया है, और फॉल्स असाइन होने की वजह से ये इफ कंडीशन में कभी जाएगा ही नहीं और डेटा लोड नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ पर इंडिकेटर शो नहीं हो रहा है डेटा लोड होते समय, तो इंडिकेटर को शो कराने के लिए हम यहाँ पर कॉलम के अंदर जाएंगे और यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे अगर इज लोडिंग डेटा की वैल्यू ट्रू है तो हम यहाँ पर एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो कर देंगे। तो मैं यहाँ पर इस सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर को थोड़ी पैडिंग दे दूंगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूँगा तो हमें यहाँ पर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो होगा जब भी डेटा लोड होगा। तो अब हमें यहाँ पर 119 के बाद इंडिकेटर शो नहीं होगा क्योंकि डेटा लोड नहीं हो रहा है। तो अब हमें यहाँ पर एक और चीज़ करनी है, जैसे हमारे पास यहाँ पर डेटा ख़त्म हो जाएगा तो हम लास्ट में एक नो मोर डेटा करके एक एलिमेंट शो करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिस्ट के आइटम काउंट में जाएंगे और यहाँ पर चेक करेंगे अगर हैज़ मोर डेटा की वैल्यू ट्रू है तब तो हम यहाँ पर आइटम डॉट लेंथ पास कर देंगे, और अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है तो हम यहाँ पर आइटम्स डॉट लेंथ प्लस 1 पास कर देंगे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर आइटम बिल्डर के अंदर एक इफ कंडीशन लगानी है। तो यहाँ पर मैं एक इफ कंडीशन लगाऊंगा और चेक करूंगा कि जो हमारा करंट इंडेक्स है अगर उसकी वैल्यू आइटम्स डॉट लेंथ से कम है तब तो हम अपनी नॉर्मल लिस्ट स्टाइल रिटर्न करेंगे जो कि हमें आइटम्स शो कर रही होगी, और अगर इंडेक्स की वैल्यू आइटम्स डॉट लेंथ से ज़्यादा हो जाती है तो हम यहाँ पर एक लिस्ट स्टाइल रिटर्न कर देंगे जिसमें हम आइटम्स दिखाने की जगह एक स्ट्रिंग दिखाएंगे नो मोर डेटा नेम से। तो अब अगर मैं सबसे नीचे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर हमें एक लास्ट एलिमेंट दिखेगा नो मोर डेटा नेम से। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।